नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अयोध्या में विक्रमादित्य महोत्सव समिति के तत्वाधान में परंपरागत रूप से नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाली रामकोट की परिक्रमा स्थगित कर दी गई है। समिति के संरक्षक व पूर्व सांसद विनय कटियार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद साधु संत सभी लोगों को राम जन्मोत्सव और राम नवमी महोत्सव में अयोध्या आने से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं नवरात्र के एक दिन पहले अयोध्या में होने वाली रामकोट की परिक्रमा को स्थगित कर दिया गया है। सदियों से चली आ रही रामकोट की परिक्रमा की परंपरा पहली बार टूट रही है। भाजपा नेता विनय कटियार का कहना है कि बहुत भारी मन से और दुख के साथ लोगों के भले के लिए इस परिक्रमा को स्थगित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने राम जन्मोत्सव और राम नवमी कार्यक्रम में लोगों को अयोध्या आने से बचने की सलाह दी है। रामकोट परिक्रमा के आयोजकों में राजकुमार दास ने भी परिक्रमा के स्थगित होने की जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि वह अयोध्या में आने की बजाय अपने घरों पर ही पूजा पाठ हवन और संकल्प करें और यह मानकर करें कि वह अयोध्या में हैं। अयोध्या से अश्वनी सोनकर की रिपोर्ट। अभी हमारे माननीय पूर्व राज्यसभा सदस्य श्रीमान विनय कटियार जी ने बताया और हम सभी लोग इस राय पर सहमत हैं कि जो परंपरागत सदियों से चली आ रही थी अंतर्ग्रही परिक्रमा रामकोट राम जन्मभूमि शम्बेद वो इस बार नहीं होगी, क्योंकि उसमें भीड़ भी अपार होती है और किसी भी तरह से किसी को कष्ट हो ऐसा हमारा धर्म नहीं उसको करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ वहाँ पर कोई प्रभावित हो और अयोध्या में हो तो उसका मैसेज खराब जाएगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जो देश के नाम संदेश दिया कल रात 8 बजे, उसको सुनने के बाद ही एक निर्णय लिया गया कि हम लोग भी ऐसे कोई आयोजन ना करें और लोगों को इससे आग्रह करें कि भीड़ भाड़ ना हो, लोग ऐसे जगहों पर ना जाएं, घरों में रहकर ही पूजा पाठ करें और भगवान को वहीं से नमस्कार करें मानसिक रूप से, ये मानकर चलें कि हम अयोध्या में हैं, वही पुण्य उनको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे यहाँ संकल्प शक्ति से ही सारा कुछ निर्धारित है और ये संकल्प लेकर करें कि हम लोग अयोध्या में हैं और वो पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। सर नहीं, प्रधानमंत्री जी की अपील तो है ही है, लेकिन जो महामारी की चल रही है बीमारी, उससे देश को समाज को सबको बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद ऐसा लगा कि अयोध्या के अंदर भी उस रूप में कोई कार्यक्रम ना हो तो परिक्रमा का जो रामकोट की परिक्रमा होती है उस कार्यक्रम को स्थगित किया है और उस कार्यक्रम के साथ साथ रामनवमी पर भी जो भीड़ आ रही है वो भी सीमित रहे। बूढ़े लोग ना आएं, बच्चे लोग साथ में लेकर ना आएं, ये इसका विशेष ध्यान रखा जाए और लंबी भीड़ ना आवे। बाकी प्रशासन का काम है, वो करेगा कैसे करना क्या करना है ये उनका, लेकिन हम लोगों की जो अपील है, महाराज जी ने भी अपील की है, तो उसी अपील के आधार पर अयोध्या में भीड़ भाड़ कम रहे और कार्यक्रम पूरी तरह से जो 24 तारीख का है वो स्थगित किया जाता है। बिना सबके विचार के साथ ये कार्यक्रम स्थगित किया है, बिना लाग लपेट और बड़ी शक्ति के साथ, बड़े स्नेह और प्यार के साथ इस कार्यक्रम को बड़े दुख भारी मन दुख के साथ स्थगित कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी पुरानी हमारी परंपरा है इस यात्रा को करने की, लेकिन ये महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए इसको हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको स्थगित कर दिया जाए। सर, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ये अपील की है कि मस्जिदों में जाकर सागे उससे जो नमाज अदा होती है वो ना करें, तो ये जो पूरी पहल है ये बड़ी पहल है और उससे कहीं ना कहीं जो है कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। नहीं, ये बात ठीक है कि उन लोगों ने भी जो अपील की है, क्योंकि मस्जिदों में भी तो भीड़ होती है, तो उन्होंने भी बिना किसी के अपील किए अपना स्वयं का निर्णय लिया है। हमने कल या परसों हम देख रहे थे टीवी पर, काबा में भी मक्का में भी उनकी भीड़ नहीं है, वहाँ पर भी
उस पर प्रतिबंध लागू किया हुआ है, उन लोगों ने अपील की हुई है, तो ये अच्छा काम है। देश के समाज ये सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त बने, तो इस रोग को अवॉइड किया जाए, ना होने पाए, इसकी कोशिश की जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।